लास्ट ईयर एस बी आई पी ओ के एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज था 850 रुपये, लेकिन इस बार एस बी आई ने उस चार्ज को कम किया है। और इस बार जब मैंने एस बी आई पी ओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो 750 रुपये लगे हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिर्जा भाई व्लॉग्स। और आज है 23rd of October, और आज और कल यानी सैटरडे संडे को बैंक बंद है, तो मैं पटना आया हुआ हूँ। और पटना आने का एक और भी रीज़न था कि मुझे 3 काम करने थे आज, और वो आज ही करना बहुत ज़रूरी था। पहला काम था कि एस बी आई पी ओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, और दूसरा काम था कि आई बी पी एस पी ओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, और तीसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार ने 2 बार कॉल किया कि भाई वैक्सीनेशन का टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी से वैक्सीनेशन करवा लो, सेकंड डोज लेनी है। तो वो सेकंड डोज भी लेना था कोविशील्ड का, तो उसके लिए भी पटना आना ज़रूरी था। तो इन तीनों काम में से एक काम तो हो चुका है, अभी अभी वैक्सीन लगवा करके आ चुके हैं और अब हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिए थे पाटलिपुत्रा जा करके, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी हमको, कब वैक्सीनेशन लगा और कब मतलब इंजेक्शन अंदर गया और बाहर आया कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज जो वैक्सीनेशन हुई है तो उसमें जब इंजेक्शन दिया जाए थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो हमको ऐसा फील आ रहा है कि उस फर्स्ट डोज में तो हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, जैसे कि लोगों को बुखार आ रहा था या सर्दी जुकाम हो रहा था, लेकिन हमको ऐसा फील आ रहा है कि ये सेकंड डोज में हमको ऐसा कुछ हो सकता है। बट फिर भी उम्मीद यही है कि सब कुछ अच्छा हो जाए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो नहीं, ताकि कल संडे को वापसी भी है मेरी। होप करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, और बस अब 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आज का ये 3 काम कंप्लीट हो जाएगा। ज़िंदगी में ना एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा ही कुछ अभी मेरे साथ हो रहा है। हम इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से कि एस बी आई पी ओ का नोटिफिकेशन आएगा तो उसको फिल करेंगे, फिर नोटिफिकेशन भी आ गया, फिर हुआ कि चलो इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते फिल कर लेंगे, और डिले होते होते इतना डिले हो गया कि अब लास्ट डेट है 26 अक्टूबर और आज हो गई है 23rd अक्टूबर। मेरे पास सिर्फ आज और कल का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और जब एस बी आई पी ओ का नोटिफिकेशन निकला था उस टाइम के बाद से हम 2 बार लैपटॉप कनेक्ट किए थे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तब तक मेरा लैपटॉप सही काम कर रहा था, मींस के मेरे लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट हो रहा था। लेकिन अब आज जब लास्ट डेट जब 3 दिन बच रहे हैं और मेरे को आज या कल मेरे को एकदम ज़रूरी है फॉर्म फिल करना, तो लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई का सिग्नल शो ही नहीं कर रहा है। ये है इंटरनेट का सिग्नल और सुबह से बस ऐसा ही दिखा रहा है। इसमें पहले वाईफाई का सिग्नल शो करता था, मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करने पर यहाँ वाईफाई आता था, लेकिन आज सुबह से ऐसा आ रहा है। और इसको यूट्यूब पर देखा है बहुत सारी वीडियो कि इसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। अब जब तक ये कनेक्ट होगा नहीं तब तक फॉर्म फिल किया नहीं जा सकता है, तो अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है। अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो लास्ट ऑप्शन है कि साइबर में जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आज नहीं हुआ तो कल ज़रूरी से ज़रूरी कल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि एस बी आई पी ओ का तो बहुत अर्जेंट है कल तक फिल कर देना। आई बी पी एस पी ओ के लिए टाइम है, लेकिन हम टाइम ज़्यादा देंगे नहीं, क्योंकि फिर आई बी पी एस पी ओ के लिए टाइम देंगे, फिर वो टाइम देते देते लास्ट पे आ जाएगा, तो इसलिए आज और कल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। अब देखते हैं आगे कि इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, और कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 10 और आज शाम को एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया गया। और लास्ट ईयर एस बी आई पी ओ के एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज था 850 रुपये, लेकिन इस बार एस बी आई ने उस चार्ज को कम किया है, और इस बार जब मैंने एस बी आई पी ओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो 750 रुपये लगे हैं। और पिछले साल आई थिंक 2 साल से
SBI 850 रुपये चार्ज कर रहा था, और उसी का देख करके IBPS ने भी चार्ज को बढ़ा दिया गया था और 850 कर दिया था। लेकिन इस बार SBI ने 750 रुपये चार्ज कर दिया है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर IBPS भी 750 रुपये चार्ज कर दे। और आज का तीनों काम जो करना था वो तीनों काम कंप्लीट हो चुका है। SBI IBPS का फॉर्म फिल कर दिया गया है, कोविड की सेकेंड डोज भी ले ली गई है, और सब कुछ आज काम स्मूथली हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था लैपटॉप से, तो उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि फ़ोन को डेटा केबल से कनेक्ट करके USB टेथरिंग के ज़रिए मैंने लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया और फॉर्म सारा फिल कर दिया गया है। अब तैयारी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर देनी है कि SBI PO या IBPS PO दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम या दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों ने SBI PO का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा किया तो मंडे तक लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। खुदा हाफिज़।